शहर के सागर रोड पर स्थित पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज और शोध केंद्र के विद्यार्थियों ने एक बार फिर शहर का नाम रोशन किया है। कॉलेज में अध्ययनरत 7 विद्यार्थियों का सिविल जज मेंस और 1 विद्यार्थी का एडीजे मेंस में चयन हुआ है, जिससे पूरा शहर गौरवान्वित है। सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रतन सिंह तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सिविल जज मेंस और एडीजे मेंस का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों का चयन साक्षात्कार के लिए हुआ है। जिनका चयन हुआ है उनमें कुमारी ताशा परमार, मयंक निगम, सृष्टि त्रिपाठी, राजेंद्र कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, पूजा अहिरवार, स्मृति सिन्हा और महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापिका हितेशी शर्मा शामिल हैं। महाविद्यालय के रजिस्ट्रार नरेंद्र खरे, प्राचार्य डॉक्टर रजत कुमार सतपथी, सहायक प्राध्यापक पवन चौरसिया, डॉक्टर राम सिंह पटेल सहित अन्य स्टाफ ने सभी चयनित विद्यार्थियों को बधाई और अगले चरण के लिए शुभकामनाएं दी हैं। छात्रों के चयन न्यायिक सेवाओं के लिए हुए हैं, जिसमें से 7 छात्रों का सिविल जज के लिए और 1 छात्र का एडीजे के लिए सिलेक्शन हुआ है। इनको अग्रिम चरण के सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयां। पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज एवं शोध केंद्र का ये इतिहास रहा है कि यहाँ हर साल सिविल जज का एग्ज़ाम हो या एडीजी का एग्ज़ाम हो या कोई भी प्रशासनिक सेवा हो, यहाँ से छात्र छात्राएँ चयनित होते हैं। और इस बार भी इसी क्रम में इस महाविद्यालय से सिविल जज मेंस 2021 का रिजल्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया है, जिसमें 7 स्टूडेंट सिविल जज मेंस में क्रॉस हुए हैं और 1 स्टूडेंट यहाँ पर एडीजे मेंस में क्रॉस हुआ है। सभी को मेरी तरफ से और महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं और अगले चरण के लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं।